रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2036 तक वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे। पुतिन भले ही आज रशिया के अब तक के सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं बल्कि एक आम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पुतिन के अकॉर्डिंग इस समय इनकी एनुअल इनकम सिर्फ और सिर्फ $1,40,000 है, यानी ये साल का सिर्फ ₹1 करोड़ कमाते हैं। लेकिन 2022 में पब्लिश हुई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है, और अगर ऐसा सच में है तो इस हिसाब से ये 2022 में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे और आज ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन होंगे। लेकिन क्या सच में इनकी नेटवर्क $200 बिलियन है, और पुतिन की इतनी लंबी प्रेसिडेंसी के पीछे की हिस्ट्री क्या है? चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 7 अक्टूबर 1952 को पुतिन का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होता है। इनकी माँ मारिया इवानोवना शेलोमोवा उस समय एक फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करती थी। इनके पिता स्पिरिडॉन पुतिन US नेवी में कॉनस्क्रिप्ट होते हैं, क्योंकि उस समय रशिया में एक लॉ था कि हर आदमी को मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, फिर चाहे उसकी क्वालिफिकेशन 0 ही क्यों ना हो। इनके पिता ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दुश्मनों से लड़ाई भी करी थी। 1 सितंबर 1960 के दिन से पुतिन अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं अपने घर के पास के ही एक स्कूल से। 12 साल की उम्र से ही इनका इंटरेस्ट फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जैसी किताबों को पढ़ने में आने लगता है, और इसके साथ ही साथ ये जर्मन लैंग्वेज भी सीखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद साल 1970 से 1975 के बीच पुतिन लॉ की स्टडी करते हैं लेनिनग्रेड स्टेट यूनिवर्सिटी से, जो कि इस समय सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इसी साल यानी 1975 में ही पुतिन KGB ज्वाइन करते हैं। KGB बेसिकली रशिया की उस समय की खुफिया एजेंसी थी, जिसका हिंदी में नाम था राज्य सुरक्षा समिति। पुतिन को कई अलग अलग देशों में खुफिया एजेंट के रूप में भेजा जाता है, और सालों तक ये बखूबी अपना काम निभाते हैं। आगे की कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले रशिया की हिस्ट्री को समझना होगा। उस समय रशिया कोई एक सिंगल कंट्री यानी देश नहीं था, बल्कि ये कई देशों का यूनियन था, जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी शॉर्ट में USSR के नाम से जाना जाता था। हिंदी में इसे सोवियत संघ कहा जाता था। इसमें टोटल 15 कंट्रीज शामिल थीं, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस समय दो नेशंस को सबसे पावरफुल और एक दूसरे का कॉम्पिटिटर माना जाता था। पहला था USSR, जिसकी बात मैंने अभी अभी की, और दूसरा था USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैप में दिखाऊं तो इतना बड़ा एरिया USSR के अंडर में आता था, और ये वाला पार्ट USA के अंडर में आता था। अब USA चाहता था कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो, और USSR चाहता था कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो। इसी वजह से दोनों के बीच 12 मार्च 1947 से ही कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और ये टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लास्ट स्टेज थी। कोल्ड वॉर का मतलब ये था कि यहाँ पर USA और USSR के बीच कोई गोलीबारी जैसा वार नहीं होगा, दोनों शांति से रहेंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री USSR में जाना चाहेगी तो उसे USA नहीं छोड़ेगा, और अगर कोई कंट्री USA में जाना चाहती है तो उसे USSR नहीं छोड़ेगा। अब बीच में फंसता है जर्मनी। जर्मनी का ईस्ट वाला हिस्सा होता है USSR के अंडर में, और वेस्ट वाला हिस्सा होता है USA के अंडर में, और बॉर्डर के तौर पर 13 अगस्त 1961 को इस पर एक दीवार बनाई जाती है, जिसका नाम दिया जाता है बर्लिन की दीवार, जो कि लगभग 112 किलोमीटर लंबी होती है। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके 1989 पर लाएं, तो ईस्ट जर्मनी में ड्रेस्डेन नाम की जगह पर व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस बना होता है, और इस समय ये KGB ऑफिसर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। बर्लिन की दीवार की वजह से जर्मनी के लोग पूरे देश में ट्रेवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईस्ट जर्मनी वाले ना ही वेस्ट जर्मनी में जा सकते थे और ना ही वेस्ट जर्मनी वाले ईस्ट जर्मनी में जा सकते थे, और जर्मनी के लोग फ्रीडम की मांग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए 9 नवंबर 1989 को जर्मनी के लोग बर्लिन की दीवार को तोड़ देते हैं। अब इससे जर्मनी का ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा एक हो जाता है, और USSR का इस पर से कब्जा भी हट जाता है। उस समय USSR के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गॉर्बाचेव, जो कि आधे जर्मनी को USSR से अलग होने से नहीं बचा पाते। अब क्योंकि पुतिन उस समय जर्मनी में ही थे, इसलिए इन पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं, और अपनी लॉयलिटी पर सवाल उठने की वजह से 20 अगस्त 1991 को पुतिन KGB और सोवियत आर्मी में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। दो महीने बाद 15 दिसंबर 1991 को USSR टूट जाता है, और इससे टोटल 15 देश अलग हो जाते हैं। हालांकि रशिया के कंपैरिजन में ये सारे देश काफी छोटे होते हैं, लेकिन अब इसके बाद अकेला रूस बचता है। उस समय USSR के प्रेसिडेंट मिखाइल गॉर्बाचेव इसे भी कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसी वजह से इसी दिन ये प्रेसिडेंसी के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं बोरिस याल्सन। सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशिया का सबसे बड़ा शहर है, उसके मेयर थे एनाटोली सोबचक। मई 1990 में पुतिन सोबचक के एडवाइजर बनते हैं। 28 जून 1991 को पुतिन को मेयर्स ऑफिस का हेड बना दिया जाता है, और पीटर्सबर्ग की सारी जिम्मेदारी पुतिन को दे दी जाती है। सिर्फ एक साल के अंदर ही पीटर्सबर्ग में पुतिन की वजह से रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और लोगों का अटेंशन इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। और 1994 से 1996 के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में ये कई अलग अलग पॉलिटिकल पोजीशंस पर
पर काम करते हैं। 5 सालों के अंदर ही व्लादिमीर पुतिन पूरे पीटर्सबर्ग को बदल कर रख देते हैं। लेकिन जून 1996 में पुतिन अपने इस पद से भी इस्तीफा दे देते हैं। ये रशिया के एक दूसरे शहर मॉस्को चले जाते हैं और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी चीफ के पद पर काम करने लगते हैं और मार्च 1997 तक इस पद पर बने रहते हैं। 26 मार्च 1997 को प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन पुतिन को प्रेसिडेंशियल ऑफिस में डिप्टी चीफ की कुर्सी देते हैं और व्लादिमीर पुतिन एक एडवाइजर की तरह बोरिस येल्सिन के साथ काम करते रहते हैं और 1998 तक पुतिन प्रेसिडेंशियल स्टाफ के चीफ एडवाइजर बने रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन के काम को देखते हुए लोग काफी ज्यादा खुश थे, इसी वजह से पुतिन काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। अगस्त 1999 में पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्रेसिडेंट येल्सिन खुद ये अनाउंस करते हैं कि वो पुतिन को ही रशिया का अगला प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं। प्रेसिडेंट येल्सिन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ज्यादा शराब पीते थे और जहाँ मन होता था नाचने लगते थे। एक प्रेसिडेंट की क्या मर्यादाएं होती है इस चीज को ये कभी समझते ही नहीं थे, जिस वजह से लोग इनका काफी ज्यादा विरोध करना शुरू कर देते हैं। 31 दिसंबर 1999 को प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। रशिया के संविधान के अनुसार पुतिन इसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं, यानी प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन का जो भी कार्यभार था वो अब पुतिन संभाल रहे थे। अब क्योंकि पुतिन पहले एक खुफिया एजेंट थे तो इन्हें सब कुछ पता था, इसलिए ये जानते थे कि करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है और देश को कैसे आगे लेकर जाना चाहिए। पुतिन इस समय सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। रूस में आज भी राष्ट्रपति का शासन चलता है, इस वजह से अगर पुतिन को नेशनल लेवल पे कुछ करना है तो इन्हें वहाँ का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा और पुतिन के लिए येल्सिन के इस्तीफे के बाद ये और भी ज्यादा आसान लगता जा रहा था। प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के इस्तीफे के बाद 26 मार्च 2000 को रशिया में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और 53% वोट के साथ पुतिन इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। पुतिन की इच्छा पूरी हो जाती है और ये रशिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जिस तरह इंडिया में पॉलिटिकल टर्म 5 सालों की होती है, उसी तरह रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूस की प्रेसिडेंशियल टर्म 4 साल की होती है। एक और चीज है कि प्रेसिडेंट कभी भी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। बन सकता है लेकिन 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकता। 2000 से 2004 तक पुतिन रूस में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, देश की खराब चीजों को तोड़कर ये रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और रशिया की जीडीपी भी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। लोग पुतिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी का कोई तोड़ नहीं बचता। पुतिन इतने शातिर और चालाक थे, इन्हें पता था अगर दूसरी बार प्रेसिडेंसी पानी है तो पहली बार कई सारे अच्छे काम करने होंगे और सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होता भी है। 2000 से 2004 के बीच अपनी पहली प्रेसिडेंशियल टर्म में व्लादिमीर पुतिन रशिया में इतने सारे अच्छे काम करते हैं जिससे पूरे रशिया में ग्रोथ दिखने लगती है। अब आता है साल 2004 और फिर से प्रेसिडेंसी का इलेक्शन होता है। 14 मार्च 2004 को 71% वोट के साथ पुतिन एक बार फिर रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। 71% वोट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन की लीडरशिप से लोग कितना ज्यादा खुश थे और इसी के साथ पुतिन भी अपने काम को बखूबी निभाते हैं। 2004 से 2008 के बीच व्लादिमीर पुतिन पिछले प्रेसिडेंसी की तरह ही इस बार भी काफी सारे अच्छे काम करते हैं। अब साल आता है 2008 और एक बार फिर से इलेक्शन आता है, लेकिन पुतिन 2 बार लगातार ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके थे तो अब 2008 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अपने ही एक बंदे दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन क्योंकि रशिया में प्रधानमंत्री के पास उतनी पावर नहीं होती, इसलिए पुतिन अपने पद पर रहकर ही दिमित्री मेदवेदेव से पावर स्विच कर लेते हैं, यानी दिमित्री बस नाम के राष्ट्रपति थे, काम सारा पुतिन ही कर रहे थे। 4 साल और बीतते हैं और साल आता है 2012 और इस बार फिर पुतिन प्रेसिडेंसी के लिए खड़े होते हैं और 63% वोट के साथ ये तीसरी बार रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। इस बार पुतिन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करवाते हैं और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल करवा देते हैं। इनकी तीसरी प्रेसिडेंसी को 6 साल बीतते हैं और साल आता है 2018। 7 मई 2018 को व्लादिमीर फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं और पूरी रशिया से इस बार इन्हें 76% वोट मिलता है। 2020 में पुतिन एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं और अब ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, यानी लीगली इन्हें 2036 तक राष्ट्रपति के पद से कोई भी नहीं हटा सकता। खुफिया एजेंट होने की वजह से इन्हें हर चीज की जानकारी थी और ये जानते थे कि देश को अच्छी तरह से कैसे चलाना है, इसलिए लोग इन्हें अब तक के सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट मानते हैं। जब से पुतिन प्रेसिडेंट बने हैं तब से रशिया की हर फील्ड में ग्रोथ देखने को मिली है। 2000 से लेकर 2022 तक पुतिन की वजह से रशिया की जीडीपी का चार्ट बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का रिलीज जीडीपी चार्ट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन क्लेम करते हैं कि इनकी एनुअल सैलरी सिर्फ $1,40,000 है। इनके पास 8,000 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट है और 3 कार्स को ये पर्सनली ओन करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इनके पास $1.4 बिलियन का एक सीक्रेट
सीक्रेट पैलेस है और ये सीक्रेट पैलेस ब्लैक सी मानसन नाम से किसी सीक्रेट लोकेशन पर है, जिसका टोटल एरिया 190,000 स्क्वायर फुट है, जिसमें हेलीपैड, स्विमिंग पूल और टॉयलेट पेपर से लेकर सारी चीजों की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर है और ये पूरी तरह से एक लग्जरियस प्राइवेट हाउस है। इसके अलावा भी इनके 19 घर हैं और इनके पास 700 से भी ज्यादा कार्स हैं और 58 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 100 मिलियन डॉलर्स की एक प्राइवेट याच भी है और इसके साथ ही ये मिलियंस ऑफ डॉलर की लग्जरियस वॉच भी पहनते हैं। ये सारी चीजें 2016 में जो पैनामा पेपर्स लीक हुए थे उसके अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन सारे एलिगेशंस को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं और कहते हैं कि मैं यूरोप का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ, क्योंकि मैंने करोड़ों लोगों की इमोशंस को जीता है और लोगों ने ही मुझे रशिया जैसे बड़े नेशन का लीडर चुना है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।